नमस्ते, आज आप सब लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये हम लोग तीसरा टॉकथॉन कर रहे हैं। पहला टॉकथॉन 24 घंटे का किए, फिर लगा के नहीं 24 घंटे में, कुछ रात के समय विदेश में तो लोग कुछ लोग देख लेते हैं, लेकिन शायद मेहनत ज़्यादा होती है, और फिर उसको 12 घंटे कर दिया गया। तो अब मोरलेस चीज़ें सेट हो गई हैं। हर महीने के अंतिम शनिवार को 12 घंटे का टॉकथॉन, 12 अलग अलग विषयों पे एक एक घंटे की चर्चा कर लेंगे। आज का विषय थोड़ा मुश्किल है, और इसीलिए मूल रूप से मैंने तीन अध्यापक लोगों को जो कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, डॉक्टर आनंद कुमार भाई साहब, जो मैं इनको छात्र नेता और युवा नेता के रूप में देखता हूँ, लेकिन मूल रूप से शिक्षक, अजीत झा भाई साहब फिर से शिक्षक दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सतीश झा साहब, मैं इनको तो एडिटर और पत्रकार के रूप में देखता हूँ, लेकिन अब ये जो जीवन के जिस उसमें है, ये अब एजुकेशन को ही ज़्यादा अपना फोकस एरिया किए हुए हैं। हमारे साथ शायद एक आध गेस्ट और जुड़े, लेकिन तब तक चर्चा शुरू करते हैं। आनंद भाई साहब, आज की बात यह है कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, क्या ये एक ही चीज़ है? मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि जब मैं हिंदुस्तान बोलता हूँ, जो शायद मेरी भाषा में है, तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं नहीं आप हिंदुस्तान मत बोलिए, हिंदुस्तान आपको बोलना ठीक नहीं है। मेरे कुछ मित्र संदीप, डॉक्टर संदीप पांडे अगर आएंगे तो वो बताएंगे, वो पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान में रहने वाले जो उनके साथी, तो कहते नहीं नहीं हिंदुस्तान मत बोलिए आप, तो आप भारत, इंडिया बोलिए। तो ये इन तीनों में जरा अगर आप आनंद भाई साहब कुछ समझा सकें हम लोगों को, तीनों का डिफरेंस, या तीनों एक ही चीज है, या इसका पर्यायवाची है, थोड़ा इस पे बात कर लें। सर, आनंद जी, जो आपने प्रश्न उठाया है वो किसी भी एक वयस्क की जीवन यात्रा में प्रासंगिक प्रश्न होता है, क्योंकि आपका नाम औपचारिक तौर पर स्कूली कागज में एक रहता है, आपके माँ पिता जब आप नन्हे से थे तब जिस नाम से बुलाते थे, वो आपकी आयु बढ़ने के बावजूद वही नाम टिका रहता है, जब तक वो जिंदा है तब तक आपका वो निजी नाम होता है और बहुत आत्मीय लगता है, और तीसरा नाम होता है जो आपके मित्रों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा आपके गुण दोष के आधार पर टिक जाता है। इसी तरह से भारत, चूंकि एक लगभग 7000 साल पुरानी धारावाहिकता की कहानी है, उसमें हिंदुस्तान शब्द एक तरह से इसका नामांकन हुआ विदेशियों द्वारा, जिन्होंने इसको पहचानने की पूरी कोशिश की, और उसमें उन्होंने भौगोलिक आधार पर सिंधु नदी के उस पार का इलाका हिंदुस्तान, या सिंधु से जुड़ा हुआ हिंदू और हिंदू उसके रहने की जगह हिंदुस्तान, और जहां तक इंडिया का सवाल है वो एक तरह से यूरोपीय नामकरण हुआ। तो अरबी फारसी परंपरा में से हिंदुस्तान, संस्कृत की परंपरा में से भारत, और जो अंग्रेजी परंपरा है या यूरोपीय परंपरा है उसमें से इंडिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें से दो को ही चुना, भारत, दैट इज इंडिया। उसके लिए उस समय के बड़े तर्क थे, कई तरह के नामों की चर्चा हुई, और आधुनिक इतिहास का वो बड़ा दिलचस्प अध्याय है कि इतनी विराट, विशाल और बहुआयामी सभ्यता का नामकरण करने के लिए जब 350 लोग पूरी ईमानदारी से बैठे एक भविष्य की तरफ यात्रा करते हुए, तो उन्होंने भारत, दैट इज इंडिया करके नाम क्यों रखा। हमारे मित्र प्रोफेसर अजीत झा और प्रोफेसर सतीश झा ज्यादा विवरण से बताएंगे। अभी हाल में किताब आई भारतवर्ष करके, प्रोफेसर बीडी चट्टोपाध्याय की, जिन्होंने संस्कृत से लेकर के फारसी तक के स्रोतों का उदाहरण लेते हुए बताया कि भारतवर्ष नाम या भारत नाम की अपनी एक लचीली कहानी है, और वो अलग अलग समय में अलग अलग तरह से संस्कृत विमर्श में बराबर आता रहा। हिंदुस्तान का जैसे ही आप जिक्र करें तो इकबाल का वो तराना याद आ जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और जय हिंद का नारा भी आखिर नेताजी सुभाष बोस, जो देशभक्तों के सरताज थे, जिनको गांधी जी ने प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स कहा था, उन्होंने जय हिंद का नारा क्यों दिया, जय भारत का या हेल इंडिया क्यों नहीं कहा, और गांधी जी ने भी अपनी किताब का नाम हिंद स्वराज क्यों रखा, और दूसरी तरफ दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके किताब क्यों लिखी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज थी। मुझे याद आता है कि प्रोफेसर ब्रह्मदेव शर्मा, डॉक्टर बी डी शर्मा, उन्होंने एक वर्गीकरण किया था, भारत, इंडिया, भारत हिंदुस्तनवा,
जिसमें उन्होंने इंडिया का मतलब रखा था, वो हिस्सा जिसको आजादी या पश्चिमीकरण का लाभ मिला है, भारत वो हिस्सा जो हाशिए पर तो है लेकिन अपनी जगह बनाने की अथक कोशिश कर रहा है, ग्रामीण और कृषि से जुड़ा, दस्तकारी से जुड़ा इंसान, और हिंदुस्तनवा मतलब वो जो बिल्कुल बहिष्कृत लोग हैं, चाहे उसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, डॉक्टर शर्मा का ज्यादा काम आदिवासियों में था। एक और वर्गीकरण चला था हम लोगों के 80 के दशक में, भारत और इंडिया, जिसमें ये कहा गया कि शहर और महानगर का जीवन तो इंडिया का है और भारत मतलब वो सब जिसको शहरीकरण का, औद्योगिकरण का, पश्चिमीकरण का, मोटे तौर पर आजादी के बाद की विकास यात्रा का बहुत स्पर्श नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये तीन तरह के प्रसंगों में बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण और संज्ञाएं हैं और इनको किसी से काटने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग नहीं पहचानते इस संस्कृति की धारावाहिकता और विविधता को और जिनको नहीं मालूम है कि इसका पूरा भौगोलिक आकार तो आजादी के बाद ही निखरा है, इसके पहले एक कहानी आती है अशोक महान की और दूसरी अकबर की, जिन्होंने इसके भौगोलिक और राजनीतिक आकार को एक रूपता देने की कोशिश की और उसमें विविधता में एकता का सिद्धांत अपनाया। अब अगर आपने भारत का मतलब हिंदू से जोड़ दिया, हिंदुस्तान का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई से जोड़ा, और इंडिया का मतलब ब्रिटिश राज के दौरान जो भूगोल बना जिसमें फिर भी 550 रियासतें अंग्रेजों के झंडे के साथ अपना भी झंडा फहराती थी, तो ये इतिहास में जाके एक भूल भुलैया में खो जाने की कोशिश होगी जो किसी भी तरह से शुभ नहीं होगी। मैं सतीश भाई साहब आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा आप यहाँ से एक पर्सपेक्टिव व्यू आप ले लें और आप इसको थोड़ा आगे स्टीयर कर लें इस चर्चा को, और उसमें जैसे मैं आनंद भाई साहब ने कहा मेरे भी वही है, भारत से तस्वीर बनती है गांव गरीब की दशा, एक ग्रामीण भारत, इंडिया से मॉडर्न प्रोग्रेसिव, कुछ मतलब अंग्रेजी नाम आते ही थोड़ा वो भी हो जाता है कि नहीं नहीं कुछ अंग्रेजियत है, और हिंदुस्तान तो बहुत ही आम आदमी। जैसे मुझे हरदम एक दिक्कत रही है कि हिंदी कहाँ खत्म होती है उर्दू कहाँ शुरू होती है, ये मुझे हरदम समस्या रही। लोग कहते थे नहीं नहीं है, जैसे अब आजकल कहा जा रहा ऋण मोचन योजना, अब ऋण मोचन योजना उत्तर प्रदेश में इसका मतलब क्या है ये मैं ठीक ठाक लोग भी नहीं बता पाएंगे भाई। कर्जा माफी कह दो तो सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन चूंकि कर्जा माफी में उर्दू आता है इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सतीश भाई साहब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा आप इस चर्चा को स्टीयर आप कर लें। आनंद भाई ने साफ कर दिया, वो हम सबके वरिष्ठ हैं, उनकी जिस तरह से रखा इस बात को इतना बढ़िया है, मैं सोच रहा था क्या रखूंगा, उन्होंने मेरी आधी बात तो पहले कह दी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। मेरा जन्म भारत में हुआ था और मैं बड़ा हुआ हिंदुस्तान में, और जब कुछ और बड़ा हो गया तो मुझे लगा मैं इंडिया का हिस्सा बन गया हूँ। अगर उस तरह से देखूँ, एक सांस्कृतिक ढंग से देखूँ, तो एक और एक नज़रिया सामने आता है। उसको आप देखिए इतिहास में एक संस्कृति के उसकी जो इवोल्यूशन हुई है उससे देखें, या भौगोलिक रूप से देखें, या जिस तरह सत्ता बनी है या बिगड़ी है उसकी एक जो परंपरा रही उससे जोड़ें, या आज की संस्कृति में जिस तरह हम देखते हैं उसके संदर्भ में देखें, हम कई आयाम इसके हैं। आनंद जी ने कहा बहुआयामी ये बात है, तो मुझे लगता है कि जब अपने बड़े होने को देखता हूँ लेट 50s से अब तक, तो जो मैं पैदा हुआ था वह भारत था, क्योंकि उसमें मेरा परिवार था, उसमें मैथिली संस्कृति थी, कुछ मैथिली भाषा थी, कुछ हिंदी थी, अंग्रेजी का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जो जब मैं 5-6 बरस का हूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस में जो लोग थे, अली साहब बाएँ थे, बनर्जी दादा उसके बाद थे, सिंह साहब सरदार जी उसके बाद थे, और मैथ्यू साहब उसके बाद थे, इस तरह, यानी कि वो हमारा भारत था। जो 5-6 घर थे, इत्तेफाक से ऐसा था कि उसमें एक मुसलमान साहब थे, एक बंगाली थे, एक सिख थे और एक क्रिश्चियन थे। उससे ज़्यादा पता मुझे नहीं था, मुझे ये मालूम था कि इस तरह के लोग होते हैं, जो हवाई तरह के हैं, वो सब हमारी हमारे देश के लोग हैं, हमें कहीं फर्क नहीं मालूम पड़ा किसी के बीच में उस जमाने में। लेकिन जब हम JNU पहुंचे तो वहाँ अंग्रेजी सीखना शुरू किया, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, अंग्रेजी ग्रामेटिकली मैं लिख लेता था लेकिन बोल नहीं पाता था, जो मेरे जो क्लासमेट्स उन लोगों ने भी अंग्रेजी सिखाई। खैर, उस तब पता लगा कि एक भारत है जो बनारस से आगे भी है, दिल्ली का जो भारत था बहुत अलग था,
और उस भारत की जब हम कल्पना देखते हैं आज की तारीख में, तो उससे मैं उसको सीखते सीखते बड़ा होता चला गया, उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। यानी कि उसकी जो जो चैलेंजेस हैं उस इंडिया की, इंडिया वो है जिस तरह बाहर के लोग हमें देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे कॉलोनाइजर्स फ्रेंच होते तो शायद हम उसको लेंदे बोलते, इंडे बोलते, कोई और दूसरी उसकी इंडिक बोलते, अगर ग्रीक होते तो इंडिक बोलते। उन्होंने पहले कहा भी था, किसी ने इंडिक कहा, किसी ने इंडे कहा, किसी ने। तो ये जो जिस तरह लोग हमें देखते हैं वो इंडिया है, जिस तरह हम जन्मे वो भारत था, और हिंदुस्तान जो है वो हमारा फ्यूजन था, इस तरह एक तरह देखिए। लेकिन हिंदुस्तान भी एक जो है, सावरकर ने इसको नाम दिया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वो अपने आप में एक नई परंपरा, हिंदू को सर्वोपरि करने की परंपरा में हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान उसकी बात चली नहीं जाता। जिन जो लोग समझते हैं हिंदुस्तान को हमेशा देखते हैं वो इकबाल के नाम से देखते हैं, सारे जहां से अच्छा के नाम पे देखते हैं, उसमें हिंदुस्तान की बात नहीं आती। तो मेरे हिसाब से जो है ये इंडिया और भारत का फर्क, कई बार जिसकी चर्चा हुई उसमें हिंदुस्तान का जिक्र नहीं आया, इंडिया वर्सेस भारत की बात ज्यादा हुई। क्योंकि हिंदुस्तान तो मानते थे हमारी संस्कृति है, परंपरा है, जब तक 2014 नहीं आया था तब तक हिंदुस्तान हमारी परंपरा का, बिल्कुल हमारी संस्कृति का, समाज का हिस्सा था। लेकिन जो सारी बहस थी भारत वर्सेस इंडिया की थी, भारत जो विकसित नहीं हो रहा था और इंडिया वो लोग थे जो भारत में जितना विकास हो रहा था उसका सारा फायदा उठा रहे। तो इंडिया वो था जो कॉलोनियल था दिमाग से, उसके लिए भारत अभी भी एक कॉलोनी था। और ये अगर आप देखें, जब भी मैं भारत सरकार के तमाम अधिकारियों से बात करता हूँ, एक बताऊँ, एक 1972 के आईएएस अफसर थे और तब मैं समाज कल्याण विभाग के उसका काम देख रहा था, उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, अब उसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो वो जो मेनका गांधी मंत्री थी, और तब चूंकि हमारे लिखा करती थी, बात हुई, हमने कहा कि इसका नाम जो है ये ठीक लगता नहीं है, हमें वेलफेयर का देश नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो सक्षम, उसके लिए कैसे करेंगे। तो 3 इन लोगों ने काम किया, जो जॉइंट सेक्रेटरी था एक 1972 के बैच का था, उसने डिक्टेशन मेरे सामने दिया, उसने नाम रखा सब्जेक्ट ऑफ इंडिया। मैंने कहा भाई सब्जेक्ट ऑफ इंडिया कहाँ से आ गया, ये किस सदी की बात कर रहे हो, यहाँ तो लोग नागरिक होंगे, सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन उनके दिमाग में सब्जेक्ट ऑफ इंडिया, ये आईएएस अफसर जो 72, 73, 74 के बैच के थे, उनके दिमाग में था कि भारत के जो लोग हैं वो सब्जेक्ट। दूसरा उदाहरण दूंगा, मैं एक सेक्रेटरी के पास बैठा हुआ था शिक्षा के नाम पे, उन्होंने मुझसे कहा, ये बात 2009 की है, कहते हैं सबके पास कंप्यूटर है। मैंने कहा लेकिन देश की आबादी कितनी है, 100 करोड़ की होगी। हाँ, कितने कंप्यूटर देश में है, 1 करोड़ होंगे, तो बाकी 99 क्या कर रहे हैं। नहीं, उनकी गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कि जो भारत का जो एक सचिव है एक विभाग का, जो भारत बात सोचता है, कहता है सबके पास कंप्यूटर है, तो सबकी बात नहीं सोचता, उसके लिए भारत का मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ इंडिया सोच पाता है। एक तो जब भी मुझे मौका मिला मैंने ये कहा कि जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास सोचने कोई टूल नहीं बचा है हमारे पास, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें इंडिया को समझने का टूल है, भारत को समझने का टूल हमारे पास बिल्कुल नहीं है। भारत जो है वो काफी एक नेचुरल सा एक जो हमारी एक एंटिटी है जिसमें हम सब लोग पैदा हुए हैं, वो तो भारत है, लेकिन जब तक हम पढ़ लिख लेते हैं और समझना शुरू करते हैं और उसमें से कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे अपनी तरक्की हो, जब ऐसी बातें आती हैं, हम बन जाते हैं अफसर बन जाते हैं या नेता बन जाते हैं, तो सारी की सारी जो बात है वो एक कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर है वो हमारा गया नहीं, वो हमारा इंडिया है। तो मेरे दिमाग में इंडिया की छवि है उन लोगों की है जो इस व्यवस्था में अपनी जगह बना के सब कुछ अपने लिए इस्तेमाल करना जानते हैं, और जिनका ख्याल नहीं कर पाते वो बच के हमारा भारत। ये जो है इसको अगर आप आज के संदर्भ में देखें तो मुझे ऐसा लगता है उसका एक भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वो आयाम तो अलग है, जो आनंद जी ने बहुत बढ़िया कहा, उतना बढ़िया कहने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन जो मेरा मानना ये है कि जब भी मैं इनकी बात करता हूँ, जिस तरह से मेरा एवोल्यूशन हुआ है, जिस तरह से मैंने पढ़ाई लिखाई की और जो मुझे मौका मिला, मुझे लगता है ज्यादातर लोग इस तरह देखते हैं हिंदुस्तान जो अपने आप में एक फ्यूजन की चीज है, जो कि जिसमें हम लोग उस संस्कृति में पैदा हुए। किसको नहीं पता ये गाना, बताइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राइट? तो उस तरह देखे हमें तो भारत वर्सेस इंडिया बहुत बड़ी बहस है। हिंदुस्तान जो है वो जिस तरह से इसकी परिकल्पना की गई थी वो आजकल हम लोग भूल गए हैं 2014 के बाद से।
मैं थोड़ी बात उनकी भी कर लूं, प्रोफेसर अजीत झा को मैं ले लूं डिस्कशन में, सुप्रिया भी ज्वाइन कर ली है। प्रोफेसर एक नया चीज शुरू हुई है और वो मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूं कि अभी हमने देखा तमाम होर्डिंग्स लगी हुई हैं, जो इन्होंने बात कही प्रजा और नागरिक के में अंतर, सब्जेक्ट और सिटीजन की बात, जगह जगह लिखा गया मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन। अच्छा, मुफ्त का कहीं जब आता है तो वो प्रजा और राजा के बीच का होता है। मैं एज अ सिटीजन, मेरा राइट, अगर राइट टू फूड मेरा है तो वो मेरा हक है, वो आप मुझे मुफ्त में नहीं कोई दे रहा है। तो ये मुझे लगा है कि आज के संदर्भ में कहीं ना कहीं वो एक बात फिर से आ रही है, प्रजा, नागरिक को फिर से प्रजा बनाने की, मुझे ऐसा लगता है कि वो है। प्रोफेसर अजीत झा, आप क्योंकि हिस्ट्री आप को ठीक से समझते हैं और आपने का एक बड़ा दर्शन आपने डॉक्टर अंबेडकर, गांधी और इनको ठीक से किया, ये जरा थोड़ा सा समझाइए जो भारत हिंदुस्तान में ये नया मुफ्त नागरिक प्रजा ये सब कौन लोग हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इससे पहले जो चर्चा चली है, आनंद जी ने, सतीश जी ने जो बातें कही हैं और जो आपका ओरिजिनल विषय है, उसके बारे में छोटी छोटी एक दो टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। और टिप्पणी यह है कि देखिए, दो बहुत रोचक बातें आई हैं। एक तो जो आपने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान बोलने पर ही कुछ लोग आपत्ति उठाते हैं, और पाकिस्तान में जाके जब आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोलते हैं तो उसमें भी कुछ लोग आपत्ति जी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कई मायनों में दुखद स्थिति है, क्योंकि जब आप इंडिया की, भारत की और हिंदुस्तान की बात करते हैं तो लंबे समय तक ये इन नामों की उत्पत्ति अलग अलग समय में हुई, अलग अलग भाषा परंपराओं में हुई और अलग अलग समूहों के द्वारा, लेकिन इनके मायने में कोई टकराव नहीं था। बहुत लंबे समय तक जब भारत का इस्तेमाल होता था या इंडिया का इस्तेमाल होता था या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होता था तो उसका मतलब क्या है, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं थी किसी के साथ। तो एक तो इस बात को हमें समझना चाहिए। दूसरा, देश राष्ट्र जिसके साथ अब ये शब्द जुड़ गए और एक भावना को उत्पन्न करते हैं, एक आकर्षण को उत्पन्न करते हैं, बहुत लंबे समय तक इतिहास में जो टेरिटोरियल एंटिटीज थी, चाहे वो भारत हो, चाहे इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, वो उस भूभाग में रहने वाले सभी लोगों का बराबर हक है, ऐसा इतिहास में परिकल्पना नहीं थी। वहीं से आपका सब्जेक्ट और नागरिक का सवाल भी जुड़ता है। इसलिए जब हम पुराने इतिहास को पढ़ते हैं या मध्यकाल के इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको आसानी से भारत का या इंडिया का या हिंदुस्तान का इतिहास नहीं मिलेगा, आपको राजवंशों का इतिहास मिलेगा, मठों का इतिहास मिलेगा, मंदिरों का इतिहास मिलेगा, मस्जिद का इतिहास मिलेगा, लेकिन आपको आसानी से भारत का या इंडिया का या हिंदुस्तान का इतिहास नहीं मिलेगा, क्योंकि इतिहास लेखक अपने जो उनके राजा होते थे, राजा के कहने से ही लिखते भी थे, इसलिए अकबरनामा और इस ढंग की चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी, हर चरित्र देखने को मिलेगा, इस ढंग की रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। देश के अर्थ में, जिस अर्थ में लोगों की भावना क्षेत्र के साथ इस ढंग से जुड़ गई कि वो सबसे महत्वपूर्ण भावना हो, वो राष्ट्रीयता के उदय के साथ ही हुआ। और हिंदुस्तान में जब राष्ट्रीयता का उदय हुआ तो भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में कोई फर्क किया नहीं गया। ये फर्क बहुत बाद में आया जब सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की बात की और जिन्ना साहब ने जब
पाकिस्तान की बात की, तब जाकर के इन शब्दों का कोई धार्मिक मतलब है, कोई सांप्रदायिक मतलब है, हिंदुस्तान का कोई हिंदुओं से कोई संबंध है। ये जब यहां बार बार चर्चा हुई, जब इकबाल ने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं था। जब अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के कसीदे कसे, शायद भारत की हिंदुस्तान की बारे में इस किस्म की स्तुति, जिस किस्म की स्तुति अमीर खुसरो ने की, उससे पहले उसके बाद उस ढंग से आसानी से मिलेगा जिस किस्म की स्तुति अमीर खुसरो ने की, तो उसमें कोई सांप्रदायिकता थी नहीं। जब बहादुर शाह जफर ने कहा हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन पे चलेगी तेज हिंदुस्तान की, वो तेज हिंदुओं की भी थी, वो तेज मुसलमानों की भी थी, उसमें कोई सांप्रदायिकता थी नहीं। तो हिंदुस्तान शब्द के साथ जब एक सांप्रदायिकता को जोड़ने की कोशिश की गई, एक तरफ हिंदी हिंदू हिंदुस्तान और दूसरी तरफ जिन्ना साहब का पाकिस्तान, तो उनको मानने वालों को दिक्कत होगी जब आप हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करेंगे। पर भारतीय लोक मानस इंडिया में, भारत में और हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं करता है, और इसलिए भगत सिंह बनाते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, चंद्रशेखर आजाद और अपने साथियों के साथ मिलकर के, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जय हिंद का नारा देते हैं, तो वो सेना थी जिसमें अधिकांश लोग पंजाब के थे, और जिन नागरिकों ने उनको पैसा दिया और जो नागरिक सेना उन्होंने तैयार की, वो सब लगभग दक्षिण भारतीय, और उस सेना का नारा जय हिंद था जी। तो मैं एक आप स्पष्ट, आप जरा इसको क्लियर कर दें, मेरी जितनी समझ और पढ़ाई है उसमें मुस्लिम बाहुल्य थे वो सब, मतलब मुस्लिमों की एक अच्छी तादाद थी उस सेना, बहुत बड़ी तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद जी जी, पंजाबी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी आजाद हिंद जी जी। नहीं आप आगे कंटिन्यू करिए, मैं सिर्फ इतना जी, 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 जी। और ये जो सब्जेक्ट और नागरिक का मसला है, यही एक ढंग से आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिक राष्ट्र की बुनियाद है। जब आप सब्जेक्ट से नागरिक बनते हैं, तभी आप देशवासी भी बनते हैं, तभी आप नागरिक भी बनते हैं, तभी आपका देश भी बनता है। इसलिए अंबेडकर जब ये सवाल करते हैं, तो वो कोई रिटोरिकल सवाल नहीं है, जब वो कहते हैं मेरा देश कहाँ है, मेरा राष्ट्र कहाँ है, इसका मतलब यही है कि देश में रहने वाले सभी लोग जब बराबर होंगे, उनके अधिकार बराबर होंगे, देश के संसाधनों पर उनका अधिकार बराबर होगा, दावा बराबर होगा, तभी वो राष्ट्रवासी बन सकते हैं, तभी वो नागरिक बन सकते हैं, नहीं तो नागरिकता का और राष्ट्रीयता का कोई मतलब नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत झा जी। मैं सुप्रिया को भी अब लाना चाह रहा हूँ डिस्कशन में, ये हम सब लोगों में सबसे युवा, क्योंकि हम सब लोग तो 60 के पार करके अनुभव बता रहे हैं, ये शायद जी रही हैं। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो ये कई बार ये बात दिक्कत होती है, आज सुबह पेपर जब अखबार खोला तो पता लगा कि मिजोरम में असम के चीफ मिनिस्टर के नाम से नामजद पुलिस FIR हो गई है, ये मेरी याद में ये सब पहली बार हो रहा है। तो सुप्रिया चूंकि पहले पत्रकार रही हैं, उससे पहले भाई पढ़ाई की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर पत्रकार रही हैं, अब एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, तो ये कहाँ, ये कौन सा ये भारत है कि हिंदुस्तान है कि इंडिया, किसमें हो रहा है? एक ही स्टेट दूसरी स्टेट के अगेंस्ट FIR चीफ मिनिस्टर DGP पुलिस SP पुलिस थानेदार के नाम से कराया जा रहा है, तो ये भी जरा थोड़ा आप समझाइए, ये आप लोग किस तरफ ले जा रहे हैं हमारे राजनेता लोग भारत को? आप सबको मेरा नमस्कार, कुछ लोगों को सुप्रभात और शायद सतीश झा के लिए गुड इवनिंग हो गया ये, बट मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल कहना चाहती हूँ, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ और बिल्कुल अपनी पार्टी की भी बात करूंगी, पॉलिटिकल बातें भी करूंगी, लेकिन आपने सही कहा, मैं युवा हूँ, आप लोगों ने इस देश की आजादी से लेकर इस देश को विकास होते हुए देखा, भारत से हिंदुस्तान से इंडिया बनते हुए देखा, मैं न्यू इंडिया बनते हुए देख रही हूँ,
और इस न्यू इंडिया में जो तथाकथित न्यू इंडिया है वहां पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दो राज्यों के बीच में गोलीबारी होती है। दो राज्यों के बीच में गोलीबारी होने के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर अपशब्दों की बहस, एक दूसरे के ऊपर गंभीर आक्षेप लगाते हैं, जो संघीय ढांचे में बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पता है उससे बड़ी समस्या क्या है कि दोनों ही राज्य भाजपा शासित है, दोनों ही राज्य सेंट्रल की भाजपा शासित सरकार की पार्टी के हैं। और आज जब आप कहते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ नामजद FIR हुई है, ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी खबर में छापा है, ये इसलिए दिक्कत तलब बात हो जाती है क्योंकि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अविश्वास इतना ज्यादा है कि ये जो 56 इंच की बातें, ये जो मस्कुलर पॉलिटी की बातें होती थी, ये भी लोगों को साथ नहीं रख पा रही। और ये कोई दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय, दूसरी कम्युनिटी, दूसरी पॉलिटी, दूसरी पार्टी के लोग नहीं है, ये अपनी पार्टी के लोग हैं, ये अपनी पार्टी के लोग हैं जो एक साथ अभी नहीं रह पा रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब विभाजन होता है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे वो किसी भी तरह का विभाजन हो, विभाजन कहीं ना कहीं सबको प्रभावित करता है। आज मिजोरम को लगता है कि उनकी अस्मिता पर सवाल उठाया गया है, असम को लगता है कि वो बिग ब्रदर है वहां पर और वो मस्कुलरिटी दिखाएगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये सारा वाक्य कब हुआ, जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह असम में फीते काट रहे थे उसके अगले दिन ये हुआ। तो ये कहीं पर केंद्र सरकार की प्रायोरिटीज, प्राथमिकता, उनकी विफलताओं को जरूर उजागर करता है और ये सवाल उठाता है कि न्यू इंडिया क्या है। आप लोग न्यू इंडिया की अभी बात कर रहे थे कि, और आपने सही कहा कि जो विज्ञापन होते हैं कि फ्री वैक्सीन मिल रहा है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, जैसे सेल्समैन करते हैं वैसे हमारे प्रधानमंत्री आकर भाषण में कहते हैं मुफ्त मुफ्त मुफ्त, अनाज मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को। किसी ने क्या ये सोचा है कि 140 करोड़ की इस जनसंख्या में हम एक जमाने में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड थे, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड था, हम विश्व के मानस पटल पे विश्व गुरु बन के अंकित होना चाहते थे, क्या किसी ने ये सोचा है कि 140 करोड़ के इस देश में अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन लेना पड़ रहा है तो समस्या कितनी गंभीर है, गुर्बत कितनी है, गरीबी कितनी है, भुखमरी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री राशन लेना पड़ रहा है। वो उनका हक है वो अलग बात है, लेकिन वो मजबूर है लेने के लिए। और सच तो ये है कि ये वो लोग हैं जो शायद लाइन में खड़े होकर फ्री राशन ले सकते हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास इंडियन है उसको अपनी साख भी रखनी है, उसको समाज में अपनी थोड़ी पैठ भी रखनी है, वो खड़ा नहीं हो सकता लाइन में। लेकिन अगर सच पूछिए तो उसकी वेतन कम हो जाने से और रोजगार चले जाने से उसकी कंडीशन सबसे खराब है, वो रोता दिख भी नहीं सकता है और हाथ खोलकर मांग भी नहीं सकता है। मैं तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहती हूँ, और ये आजकल बहुत प्रचलित है, इसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। जब भारत आजाद हुआ था, और मुझे याद है एक जज्बा था, मुझे याद है जो उस समय लोग पैदा भी हुए थे, ज्यादातर लोगों का नाम आजाद या कुछ हिंदुस्तान से लेके, कुछ हिंदुस्तान की संस्कृति से लेके, कुछ इतिहास से लेके, उनके नाम ही रखे जाते थे, और एक जज्बा था। एक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बड़ी हो रही थी तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो मेरे बाबा दादी थे उनके अंदर जज्बा था कि भाई उन्होंने गुलामी देखी थी और फिर आजाद हिंदुस्तान देखा था, तो उनके अंदर एक राष्ट्रीयता को लेकर जज्बा था। जो मेरे पिता की जनरेशन थी उनके अंदर ये जज्बा था कि वो आजाद हिंदुस्तान, 1947 में पैदा हुए हैं, उन्होंने आजाद हिंदुस्तान में आंखें खोली, तो कैसे आजादी को हर तरह से उसका बचाव करना है, पुरजोर तरीके से उसको संजोना है। उसके बाद मटेरियलिज्म शुरू हुआ, उसके बाद सामाजिक पतन भी मैं कहती हूँ शुरू हुआ। आज जो है वो राष्ट्रीयता का सिर्फ मुंह जबानी सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। राज राष्ट्रीयता क्या है? आज अगर चुनी हुई सरकार से आप सवाल पूछते हैं तो राष्ट्रीयता है। आज अगर आप सवाल पूछते हैं सरकार से कि आप जासूसी क्यों कर रहे हैं तो आपको बोला जाता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। अगर आप महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं तो आपके ऊपर भद्दे से भद्दे आक्षेप लगाए जा सकते हैं। आज सदन में जो पार्लियामेंट है, और जिसको भाई पहले भी कहा गया है, इन प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये तो डेमोक्रेसी का टेम्पल है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, उस पार्लियामेंट में समितियों में आप नौकरशाहों को आने की इजाजत नहीं देते। अभी 3 दिन पहले की बात है, IT पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी मिल रही थी और वहां पर ब्यूरोक्रेट्स को आने से रोका गया। भाजपा वाले तो नहीं आए, वो अलग चीज है, उसके बाद बेकार के आरोप लगाए गए,
लेकिन आप सोचिए कि जो कमिटीज होती है वो जवाबदेही तय करती है सरकार की सदन के लिए। अगर इस तरह का ढांचा तोड़ा जाएगा, अगर नौकरशाहों को इसलिए मना किया आप मत जाइए, ये किस तरह की बातें हैं? क्या ऑफिशियल्स, चाहे वो आईटी सेक्रेटरी हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्रेटरी हो, चाहे वो होम सेक्रेटरी हो, नए भारत में जवाबदेही सदन के लिए भी नहीं होगी? तो मैं तो भारत, हिंदुस्तान और इंडिया से आगे निकल के न्यू इंडिया की बात कर रही हूँ, वहां पर नौकरशाहों की भी जवाबदेही नहीं होगी। न्यू इंडिया में हम लोग बचपन से जब बड़े हो रहे थे तो शास्त्री जी का स्लोगन सुनते थे, जय जवान जय किसान। बिल्कुल जय जवान जय किसान होना चाहिए। लेकिन जो 600 किसानों की मौत हो गई, जो अब 9 महीने होने को आए किसान आंदोलन पर बैठे हैं, किसान आपसे बात करना चाहता है, आप जनवरी में खड़े होकर कहते हैं मैं एक फोन कॉल दूर हूं, और उसके बाद आप कहां गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं है, सुई पटक सन्नाटा है सरकार की तरफ से। आप किसानों के मरने पर शहीद हुए हैं किसान 600, एक शब्द श्रद्धांजलि का पूरी सरकार के मुंह से नहीं निकला। आप जय जवान जय किसान की और शास्त्री जी की बात कर कैसे सकते हैं? आप मुझे मतलब कोई तो ये बताएगा कि आज सरकार किसकी सगी है? ना आप जवान के सगे हैं, क्योंकि जवानों की शहादत हुई और उसका हमने क्या बदला लिया किसी को नहीं पता है। जिन जवानों ने गलवान वैली को शहादत करते हुए अपनी उनकी सीमा की सुरक्षा करते हुए शहादत कर दी, वहां पर आज चीन घुसा बैठा है। तो ना आप जवान की बात सुनते हैं, ना आप किसान की बात सुनते हैं, आप किसके सगे हैं? ये एक मुझे लगता है न्यू इंडिया में हम लोग को हमेशा ये पढ़ाया जाता था, एक मान्यता थी, क्योंकि खेतिहर परिवार से भी आती हूँ, एक मान्यता थी कि किसान सैक्रोसैंक्ट है, वो अनाज उगाते हैं, फसल उगाते हैं, और वो देश की रीढ़ की हड्डी है। आज उस रीढ़ की हड्डी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन न्यू इंडिया में उसको भी जस्टिफाई किया जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान आतंकवादी है, नक्सलवादी है, खालिस्तानी है, हर तरह की बातें किसान को कह दी जाएंगी। तो ये न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया में एक और चीज हो रही है, और ये मेरे लिए थोड़ी दिक्कत तलब की बात है, क्योंकि आपने सही कहा मैं युवा हूं, और ये मैंने बदलते हुए देखा है। जब जर्नलिस्ट थी और मैंने इकोनॉमिक जर्नलिज्म किया, फाइनेंस जर्नलिज्म किया, तो वहां पर इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत तवज्जो दिया जाता था। जो बड़ी बड़ी MNCs आई, जो कंपनियां हिंदुस्तान में आके जिन्होंने अपने प्लांट्स बनाए, जो विश्व ने हिंदुस्तान को देखा, जो हमारा लिबरलाइजेशन के बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें बहुत हिंदुस्तान के डेमोग्राफिक डिविडेंड को, हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा था कि लोग हमें आकर बेचना चाहते थे, और इसीलिए हमारी कंजम्पशन और इकोनॉमिक ग्रोथ और फलानी चीजें हुई। आज उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप दे विश्व, मतलब ये किसी के लिए कितने शान की बात होगी कि हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र हैं, हमारी 60% से ज्यादा की आबादी वर्किंग पॉपुलेशन है, हम चाहे तो क्या हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार की उदासीनता और विफलताओं के चलते आज उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरह पेश किया जा रहा है, और एक के बाद एक सरकार आज पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करती है। और मैं आपके व्यूअर से ये जरूर पूछना चाहती हूँ और ये बताना भी चाहती हूँ कि ये बिल्कुल अनर्गल और निरर्थक डिबेट है, और इसलिए निरर्थक है क्योंकि जो रिप्लेसमेंट लेवल है, जो पॉपुलेशन आ रही है और अगले जनरेशन को रिप्लेस करेगी, वो 2.1 है। दो लोगों की मृत्यु होगी, दो लोगों का जन्म होगा लगभग, तो वो बिल्कुल प्लेटो आउट हो रहा है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, एक कपल कितने बच्चों को पैदा करेगा, वो कई राज्यों में 1.1 1.2 है, कुछ ही राज्यों में 2 से ऊपर है, 2.933 बिहार में है, 2 point something यूपी में है। मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये भी डिबेट जो है ये बिना तथ्यों का एक डिबेट हो रहा है। आपको हिंदुस्तान के युवाओं को नौकरी देनी है, उनको ट्रेनिंग करनी है, उनको साक्षर बना के उनको रोजगार देना है, बजाय वो करने के आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। चीन जैसे देश ने रिलैक्स किया है क्योंकि उनको समझ में आता है कि आज से 80 साल बाद पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। आज से 80 साल बाद जब 2200 आएगा तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की 45 करोड़ लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप को पॉपुलेशन प्लेटो आउट हो रही है। तो अलग डायरेक्शन में ही डिबेट को लिया जा रहा होता है। बात होनी चाहिए रोजगार की, होगी पॉपुलेशन कंट्रोल की। ये न्यू इंडिया, ये ना भारत है, ना हिंदुस्तान है, ना इंडिया है, ये न्यू इंडिया है। और एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि न्यू इंडिया में काम से ज्यादा तवज्जो उसके विज्ञापन को लेकर है। उत्तर प्रदेश में योगी जी क्या कर रहे हैं वो जरूर दिखाना चाहते होंगे लोगों को,
वो कुछ मनगढ़ंत बातें भी दिखाना चाहते हैं लोगों को, लेकिन वो कर्नाटक में क्यों दिखाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, वो दिल्ली में क्यों दिखाना चाहते हैं बड़े बड़े होर्डिंग में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, जो 160 करोड़ बैनर पोस्टर में खर्चा होता है इस तरह का प्रचार प्रसार करने का, आपको नहीं लगता कि उसका ज्यादा यूज हो सकता है वहां पर वैक्सीनेशन का, उसका ज्यादा यूज हो सकता है वहां पर महिला सुरक्षा का, उसका ज्यादा यूज हो सकता है वहां पर कोरोना के लिए बेड्स बनाने का, अभी तीसरी वेव आने वाली है, इस तरह की बातें नहीं करी जाएंगी। बड़े बड़े विज्ञापन, नंबर वन है हम, बिल्कुल आप नंबर वन नहीं है, आप अपनी जनसंख्या के आधार पर और इवन एब्सोल्यूट नंबर्स में आप बहुत पीछे हैं, राजस्थान से बहुत पीछे है, महाराष्ट्र से बहुत पीछे है, भाजपा शासित प्रदेशों से भी है, गुजरात से भी है, लेकिन एक वो नंबर वन बता दिया गया सूचना सलाहकारों की मंडली ने, उसमें दोनों लोगों की फोटो लग जाती है और पूरे देश में ये होर्डिंग्स लग जाती है। इस तरह का जो पैसा खर्च हो रहा है इसका कोई तो आकलन होगा ना कि ये क्यों, कर्नाटक में मैं थी, मैं बैंगलोर गई थी, क्यों वहां पर ये दिखाया जा रहा है। और अंतिम बात मैं ये जरूर करूंगी कि महिला, और एक महिला होने के नाते भी करूंगी, एक युवा होने के नाते भी करूंगी, कि जब आप बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरने में लगे रहते हैं, जब आप गवर्नेंस से ज्यादा तवज्जो एड्स को, जब गवर्नेंस से ज्यादा तवज्जो इन तरह की चीजों को देते हैं, तो कहीं पर आप ये नींव डाल देते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, कि युवा बेरोजगार रहेंगे, कि इकोनॉमी पटरी पर नहीं आएगी, कि किसान सड़कों पर रहेगा। आप अपने देश के लोगों की जासूसी करते हैं और ये जासूसी आप विपक्ष की नहीं कर रहे, और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप विपक्ष की जासूसी करिए करिए, लेकिन आप ये याद रखिए कि अब आप ये आईबी और रॉ से नहीं करा रहे, ये जासूसी आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर से करा रहे हैं जो कि विदेशी है, जो कि मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है। मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर जब लोगों के फोन में जाता है, और वो विपक्ष के नेता है, वो ऐसी महिला है जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, चुनाव आयुक्त के फोन में वो है, सीबीआई डायरेक्टर के फोन में वो जाता है, वो तमाम महिला पत्रकारों के फोन पर जाता है, वो आपके मंत्रियों के फोन पर है, चुने हुए मुख्यमंत्रियों के फोन पर है, तो चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन हो जो देशद्रोह है एक्चुअली, चाहे वो आईटी एक्ट हो, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी हो, चाहे वो महिलाओं को स्टॉकिंग करना हो, कितनी चीजों का उल्लंघन इससे हो रहा है, और आप ब्रेजन होके कह रहे हैं कि ये छोटी, ये कोई मामूली सी बात है, ये अनर्गल बात बिल्कुल नहीं है। और मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ, ये मेरा फोन है, अगर इसमें स्पाईवेयर है तो स्पाईवेयर का मेरे कैमरा पर, मेरे माइक पर, मेरी पूरी डिजिटल फुटप्रिंट पर, फोटो वीडियो बैंक ट्रांजेक्शन सब चीजों पर कब्जा है। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा निजता का उल्लंघन है, और एक औरत के फोन पर अगर किसी और का कब्जा है, आपका फोन कहीं भी हो सकता है, ये महिला की अस्मिता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। और मैं अंतिम बात एक ये जरूर कहूंगी, आप 17 न्यूज एजेंसीज के डिनायल में रह सकते हैं, ये 45 देशों में हुआ है, आप बरगलाने के लिए जो भी बोलिए, लेकिन सत्य ये है कि कल फ्रांस की जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है उसने तथाकथित तौर से ये बताया है, उन्होंने बोला है कि हाँ स्पाईवेयर पाया गया था उन दो जर्नलिस्ट के फोन पर जो कि राफेल की खरीद फरोख्त पर सवाल उठा रहे थे, और उसकी जांच के बारे में उन्होंने न्यूज ब्रेक करी थी। तो क्या आज भी सरकार डिनायल में रहेगी? दुनिया के कितने देशों ने इस पर जांच गठित कर दी, लेकिन न्यू इंडिया में जब ऐसी चीजें आती हैं तो सरकार डिनायल में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिबेट बिल्कुल आपका सही है, भारत से हम कैसे हिंदुस्तान बने, हिंदुस्तान से हम इंडिया बने, लेकिन हम ये जो न्यू इंडिया बन रहे हैं इसमें सवालों की, जवाबों की, जवाबदेही की, लोकतंत्र की, जिस तरह से सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं, कोई जगह नहीं है। यहाँ पर एक तानाशाह की जगह है, यहाँ पर बात सिर्फ एक व्यक्ति के मन की होगी और बाकी सबको सुनना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि न्यू इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं भारत को, हिंदुस्तान को और इंडिया को खासी चोट पहुंचा रहा है, और हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को जबरदस्त तरीके से इरोड कर रहा है, और इसके बारे में जरूर हम सब लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे चर्चा करनी ही पड़ेगी। थैंक यू सुप्रिया। मैं अब डॉक्टर आनंद कुमार आपके पास आ जा रहा हूँ। सुप्रिया ने एक नया डायमेंशन न्यू इंडिया का कर दिया है, क्योंकि हम लोग तो अभी उलझे हुए थे भारत हिंदुस्तान इंडिया में, नाउ शी टॉक्स ऑफ न्यू इंडिया। और मैं तो पीछे, मुझे लग रहा था मैं पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो हमारे एक इसमें दर्शक है, उनका वो है जो आपसे जानना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक्चुअली हिंदू वर्ड इज अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स लुटेरे, दास, ब्लैक। सुरेश चंद जी हैं, मतलब उनका कहना जो मेरी समझ में आ रहा है कि ये कोई डेरोगेटरी वर्ड के तौर पे यूज करते थे एक समय में। दूसरा प्रश्न आपसे ये है, जो न्यू इंडिया की बात सुप्रिया कर रही, लेकिन आनंद भाई साहब आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे
कि जासूसी जब अपनी प्रजा की कराने लगे, मैंने ये कभी जासूसी हरदम दूसरे राष्ट्र में होती थी। मेरे घर के कोई एक मेरे थे जो कुछ दिन रहे यहाँ, वो आईबी में थे और इंटरनेशनल जासूसी के में इन्वॉल्व थे। हम लोगों को पता नहीं रहता था, वो कभी कभी 20-20 दिन 25-25 दिन के लिए गायब रहते थे, फिर कभी चाहते थे ना बताते थे कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं। ये जो अपनी प्रजा की जासूसी शुरू हो गई है, तो ये हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग भारत हिंदुस्तान इंडिया न्यू इंडिया? आनंद भाई साहब देखिए, हिंदू का जो अर्थ है जैसा अभी कहा गया, एक ही शब्द का कई लोग कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें भाषा वैज्ञानिकों का ज्यादा दखल है, लेकिन कोई भी शब्द अपनी यात्रा में काल देश और पात्र के कारण अर्थ बदलता रहता है। और उसी तरह से हिंदू का भी अर्थ मूलतः जो भी रहा हो मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में, लेकिन नेताजी सुभाष बोस तक आते आते उसकी एक चमकदार छवि बनी जिसमें आजादी के लिए दीवानों का मुल्क हिंदुस्तान, अपनी इज्जत के लिए अपनी जान पर खेलने वालों का मुल्क हिंदुस्तान और अपने भविष्य को खुद तय करने वालों का देश इंडिया। इसीलिए नेताजी ने अपनी सेना का दो नाम रखा, आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी। और जो अभी अजीत जी ने कहा, सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने अपने क्रांतिकारी संगठन का नाम भी रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और उनसे ज्यादा भारतीय तो अभी पैदा होना बाकी है। गांधी जी ने भी जिस संगठन को ज्वाइन किया उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिसके झंडे के नीचे जय भारत का नारा लगाते हुए लोगों ने बरसों बरस अपनी जवानी जेलों में काट दी। तो अब ये तो फारसी की क्लास में जाना पड़ेगा और उस समय के इतिहास को देखना पड़ेगा, लेकिन हिंदू शब्द अब अपमानजनक नहीं है, सम्मानजनक है। और उसके पीछे विवेकानंद, गांधी, फुले, कबीर, तुलसी, सूर, रहीम, रसखान सबका योगदान है। अब आइए, ये जो कह रही हैं सुप्रिया जी, ये इन्होंने हम लोगों को वापस 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में पहुंचा दिया है, क्योंकि भूमंडलीकरण के कारण, पश्चिमीकरण के कारण तो इंडिया शब्द की एक करेंसी बनी थी जैसा प्रोफेसर सतीश झा जी ने कहा और जो डॉक्टर अजीत झा ने समझाया, लेकिन अब भूमंडलीकरण के बाद जो उसके लूजर हैं वो तो भारत हिंदुस्तान इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन जो गेनर हैं वो न्यू इंडिया का हिस्सा हैं, जिनके चेहरे की चमक बढ़ी है, जिनका बैंक खाता बढ़ा है, जिनके भवन बेहतर हुए हैं और जिनकी सियासत भी चमक रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वैश्विक पूंजी के साथ याराना रिश्ता बना करके देश की हितों की कीमत पर, देश के भविष्य की कीमत पर अपना वर्तमान संवारा है। और इतिहास में ये खलनायक के तौर पर याद किए जाएंगे, जैसे मीर जाफर था, अमी चंद था, वगैरह वगैरह। अब सवाल यह है कि राजनीति शास्त्र की दृष्टि से, समाज विज्ञान की दृष्टि से, ऐसी सरकार को क्या कहेंगे जो अपनों पर भरोसा नहीं करती, अपने गुप्तचरों पर भरोसा नहीं करती, अपने नागरिकों पर भरोसा नहीं करती, अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं करती, अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं करती, ऐसी सरकार को आप कहेंगे डरा हुआ। इसको कहते हैं ज़ेनोफोबिया, जिसको हवा में भी भूत दिखाई पड़ता है, जिसकी अपनी औकात खत्म हो चुकी है, अपना इकबाल खत्म हो गया है। हम लोग अंग्रेजी में उसका एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेजिटिमेसी। जिस हुकूमत का इकबाल खत्म हो जाता है, लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है, वो अपनी परछाई से भी डरते हैं। कहते हैं कि अकबर अपने जमाने में वेश बदल करके अपने रियाया का हाल जानने के लिए निकलते थे, क्योंकि उनको अपने गुप्तचरों पर भी उतना भरोसा नहीं था कि ये ठकुर सुहाती करेंगे, ये चापलूसी करेंगे। जैसे इंदिरा जी के साथ इमरजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि आपके अलावा तो कोई है ही नहीं है, चुनाव कराइए और डबल धमाके के साथ जीत के आइएगा। इंदिरा जी ने उस पर यकीन किया और उनका नुकसान हो गया। मुझे लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बेअर कायदों की सरकार है। इन कायरों ने अभी तक 7 बरस में बनाया बहुत कम, बिगाड़ा बहुत ज्यादा, और अब तो इनके ही मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ गोली चलवाने की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसा टूटा हुआ देश कब था ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज तो ये बन रहा है। और इसमें जब सरकार विदेशी कंपनी के सहारे से देश की खोज खबर लेने की कोशिश करती है, तो उसका कारण यह है कि उन्होंने मीडिया की आजादी खत्म किया, प्रशासन की स्वायत्तता खत्म किया, न्यायपालिका की गरिमा को नष्ट किया और विरोधी दलों के स्वर को अनदेखा किया।
तो अब सच कहां से मालूम होगा। ये फ्रांस के राजा के बारे में कहा जाता है, और मेरी आखिरी बात है कि लुई 14 ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या बात है पिछले कुछ समय से मेरे खिलाफ अखबारों में कोई कार्टून नहीं छप रहा है। तो चापलूसों ने कहा कि हुजूर आपने इतना अच्छा सब कर रखा है, आपके बारे में कोई व्यंग कोई कार्टून बनाने की जरूरत क्या है, आप तो चारों तरफ अच्छा अच्छा कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों बाद जनता दरवाजे तोड़ते हुए घुसी और लुई 14 के फांसी चढ़ा दिया, पूरे खानदान को खत्म कर दिया। ये बहुत खतरनाक समय है, अभी भी वक्त है कि आप मीडिया की आजादी को वापस करें, अभी भी वक्त है कि आप मान लीजिए कि कुछ प्रतिशत वोट के कारण और नादानी के कारण जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं वो विपक्ष में बैठे हैं, आपका इसमें कोई बहुत योगदान नहीं, आप तो कुल जोड़ जाड़ करके भी 37% से ज्यादा वोट नहीं ला पाए थे। तो इनको भी आप देशभक्त मानिए, देश सेवक मानिए, राजनीति में रहना बहुत कठिन काम और राष्ट्र निर्माण की राजनीति में सबका योगदान है, वो चाहे लाल झंडा लेके चलते हो, चाहे केसरिया, चाहे तिरंगा। तो आज जो ये पेगासस का मामला है, ये मरने की पहली खबर है। जब आप अपने सीबीआई और रॉ पर यकीन नहीं करें, हमारे कुछ साथी जेएनयू के पढ़े पढ़ाए रॉ और सीबीआई में रहे हैं, कुछ और लोगों को मैं जानता हूं जिनको इस बात का बड़ा गर्व था कि उन्होंने तमाम खतरे उठा करके देश के लिए गुप्तचर सेवा बनाई थी, उसको आपने भरोसे लायक नहीं माना। आपका मंत्रिमंडल जिसके बारे में आप कहते हैं कि 70 साल में पहली बार ऐसी सरकार आई है, ऐसी सरकार तो कभी आई नहीं जो अपने ही मंत्रियों पर, हाँ इंदिरा जी की सरकार ने इमरजेंसी में सुनते हैं कि जगजीवन राम पर जासूसी की थी, या राजीव गांधी और चंद्रशेखर की सरकार के में सुना था कि चंद्रशेखर और चौटाला ने राजीव गांधी पर जासूसी करने की हिमाकत की थी, लेकिन फिर सरकार चली नहीं। तो आपकी भी सरकार चलने वाली नहीं, ये पंचर गाड़ी है, इसका ईंधन खत्म हो चुका है, इसका जनता से रिश्ता खत्म हो चुका है और इसका अपने ही बाजुओं पर भरोसा नहीं रह गया। जी सतीश साहब, मैं आपसे एक और चीज जरा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जब हरदम बात आज हो रही है प्रजा की, नागरिकता की, एक हमने एक चेंज और देखा, चेंज ये देखा कि अब डायलॉग खत्म हो रहा है, अब मोनोलॉग हो गया है, जो एक हम लोग बोलते थे ना बातचीत, लोकतंत्र का सबसे बड़ी ये चीज थी कि बातचीत हो, तो बात तो हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है। आपको क्या लगा, क्योंकि आप तो विदेश में है इस समय, वहां के डेमोक्रेसी देख रहे हैं, हिंदुस्तान पे पैनी नजर रखते हैं, यहाँ इतने साल आपने बिताए हैं, यहाँ की रिपोर्टिंग की है, ये हम लोग कब डायलॉग से मोनोलॉग की तरफ आ गए, ये इस सफर को मतलब भारत से हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गए हम लोग? ये सारी बात नेतृत्व की है। अगर आप देखें, जब तक तमाम पार्टियां साथ थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में तरह तरह सब लोग तरह के लोग जुड़े हुए थे, भाजपा में एक तरह की सोच वाले लोग जुड़े हुए हैं, इसकी संस्कृति आरएसएस वाली है, यहाँ एक बात ऊपर शुरू होती है वही सबको कहनी पड़ती है, अगर उसकी जो संस्कृति है उसमें लिखा हुआ उसकी किताब में कि जो नेता कहेगा सबको वही कहना चाहिए, वहां डिसेंट की कोई जगह नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस लोगों को जोड़ने की जगह थी, जहां तमाम लिंक आपको मिल गया है ना जी? नहीं, अरे वो आनंद भाई साहब किसी और से बात कर रहे हैं, चलिए ओके। तो मैं ये कह रहा था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें देश को जोड़ने की बात थी, देश के हर अंग को जोड़ने की बात थी, हर तरह की समझ को जोड़ने की बात थी, एक वो राष्ट्रीय पार्टी थी। भाजपा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने का कोई वो नहीं है, उनका कोई दावा भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की जो राष्ट्र की कल्पना है वो बहुत अलग है, लेकिन उसमें जहाँ एक अनुशासन के आधार पर जो पार्टी बनेगी और जो समझ में जो नेता कहेगा हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, वहाँ एक अलग तरह की संस्कृति बनेगी। उस संस्कृति में आप देख रहे हैं जो अभी जब से 2014 में जो नई सरकार आई है उस पर यह संपन्ना शुरू हुआ। जब सुप्रिया ने जिक्र किया मिजोरम असम का, तो मुझे फौरन याद आया कि हमारे यहाँ अगर सरकार ठीक से चले तो एक सेक्रेटरी NIC होता है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, उसका काम यह है कि एंटिसिपेट करें कहाँ दो राज्यों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, इसके पहले झगड़े हो उसमें इंटरवीन करें, लेकिन वो भी काम करता है होम सेक्रेटरी के अंदर, और उस तरह से देखिए तो उसकी सीनियरिटी भले होम सेक्रेटरी बराबर ही हो या कई बार सीनियर उससे ज्यादा होता है, लेकिन काम होम सेक्रेटरी के अंदर करता है, होम मिनिस्टर उसका बॉस होता है, लेकिन उसे काम करने दीजिए तो ये चीजें अपने आप हल हो जाती हैं। यानी कि आज की तारीख में हमारे यहाँ जो प्रशासन का जो एक ढांचा बना था
लोकतंत्र का ढांचा बना था उसमें जितने भी उसके स्तंभ थे वो या तो ढीले हो गए हैं या छोटे बड़े हो गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक तनाव पैदा हो गया है जिसको लेकर के जो जितनी समस्याएं आ रही हैं वो आप देख रहे हैं। ये बात हुई एक हाइप बनाने की, एक सिर्फ ये नरेंद्र मोदी की प्रतिभा है कि उन्होंने हमेशा हाइप किया और फिर हट गए, हर चीज को एक बार अखबार में आ गया वो काम खत्म हो गया हट गया। ये बात 2002 से आप देख लीजिए, उन्होंने एक बार सोलर एनर्जी की बात हुई 270 किलोमीटर में लगाएंगे, 1 किलोमीटर काम हुआ उसका उद्घाटन हो गया अखबार खबर 269 में, आज तक काम नहीं हुआ। उन्होंने बात की, उन वो मुद्दे ऐसे उठाते हैं जहां बिना काम किए आप क्लेम कर सकें। बात हुई शिक्षा में 6% बजट करो तो तमाम बजट उसमें जोड़ लो, ये यानी कि वो जोड़ तोड़ की बातें कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की बातें कर रहे हैं, जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, देश को एक देश बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। किस तरह से वो खुद महत्वपूर्ण हो जाए बात कर रहे हैं, एक नेता ये तय करे कि संस्कृति में जो भी होगा देश में वो सिर्फ अकेला वही तय करेगा, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। अब तक एक मिनिस्टर्स की काउंसिल हुआ करती थी, अब तक की गवर्नेंस का एक ढांचा था, अफसर एक सलाह देता था। एक बार मैंने एक सेक्रेटरी से कहा कि आप सेक्रेटरी बन गए एजुकेशन के, अब आप एजुकेशन सेक्रेटरी बन जाइए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो सरकार तय करे उसको लेकर के उसको देखो कि वो सही है कि नहीं है, वो हमारे कानूनी तौर से चल रहा है कि नहीं है, संवैधानिक ढांचे में ठीक है कि नहीं है। उनका सरकार कौन है, तो कहती सरकार जो है वो राजनीतिक जो हमारी सत्ता है वो सरकार है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर वो सरकार है, सचिव सरकार नहीं होता। सचिव का ऐसा नाम है सचिव, उसका काम ही वही सचिव का है, वो क्या करता है कि जो भी हम काम करें सरकार के नाम पे वो सही हो संविधान के हिसाब से कानून के हिसाब से, ठीक है। आज के संदर्भ में वो बात नहीं हो रही है, यानी कि आज का जो ढांचा है वो राष्ट्रीय नहीं है, वो व्यक्ति परक हो गया है। तो ये खतरा जहां भी होगा वहां जो लोकतांत्रिक परंपरा पे सबसे बहुत गहरा चोट होगा, वो आज देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। तो कहीं भी अमेरिका में जब ट्रंप आया, ट्रंप ने क्या किया कि जितने भी जो यहाँ के लोकतंत्र के स्तंभ थे उसको उसने अटैक करना शुरू किया, जुडिशरी को पैक करो सुप्रीम कोर्ट पे, और जितनी हर जगह उसने पैक करना शुरू कर दिया। उसने पहला काम ये कहा कि सुप्रीम स्कॉटस जो है उसमें रिपब्लिकन पार्टी के लोग आए, उसका सबसे बड़ा एजेंडा ये है, नंबर एक। नंबर दो, अखबार वालों को उसने क्या किया कि फेक न्यूज कर दिया, अखबार वालों की विश्वसनीयता पर उसने सवाल खड़े किए। जो नरेंद्र मोदी ने किया उन्होंने उनके ऊपर विश्वसनीय सवाल नहीं खड़े किए, वो कोशिश की जनरल सिंह ने की रेस्टिट्यूट करके, लेकिन उन्होंने उनको इस तरह दबाया जो कुछ कह ही नहीं सकते। अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ, अमेरिका में वो सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने अपनी जो उसकी जो बेस थी उसका इस्तेमाल किया उनकी प्रतिष्ठा कम करने, उनकी विश्वसनीयता कम करने, तो उसके तरीके अलग थे। उसने जुडिशरी को पैक किया, मीडिया को उसने खत्म किया, और ब्यूरोक्रेसी को ऐसा उसमें डर फैलाया कि आप सोचिए उसने उसकी FBI ने एक गवर्नर को एब्रक्ट करने की कोशिश की, उसी की FBI ने की, वो उसने वो भी कोशिश की। उसके अलावा जितने भी सेनेटर और कांग्रेस बनते उनके खिलाफ ऐसे कागज बनाए गए कि किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है, उसके जाने के बाद भी उसको इतना कंट्रोल है कि बोल नहीं सकते, यानी कि उसने वो सारी चीजें की जो एक साम्यवादी ढांचे में होती थी जहां एक नेता होता था लेनिन जैसा या माओ जैसा या स्टालिन जैसा, वो पूरा कंट्रोल करते थे। तो एक तो ये देखिए, लोकतंत्र को खत्म करने के तरीके कई हैं, ट्रंप वाला तरीका भी है और मोदी वाला तरीका भी है। ट्रंप वाले तरीके में उसने कू कर दिया अपने ही देश में, अपनी सरकार के खिलाफ उसने कू कर दिया, और यहाँ की व्यवस्था ऐसी है उसका जवाब नहीं दे पा रही आज तक, उसका बहुत धीरे धीरे कुछ निदान निकलेगा। तो अगर जिस पार्टी को हम सरकार सत्ता सौंपते हैं उसकी संस्कृति ऐसी है जहां देश को जोड़ने की बात नहीं होती, बहस की बात नहीं होती, आईना देखने की बात नहीं होती, जो कोई सामने हमारे खिलाफ बात, खिलाफ छोड़िए, खिलाफ तो होता है जो विरोधी हो, यहाँ विपक्ष का मतलब विरोधी नहीं होता, विपक्ष मतलब होता है कि हर बात के कई पक्ष हैं, एक पक्ष हम देख पाते हैं, कुछ पक्ष और लोग देखते हैं, उसको देख के हम एक आम समझ बनाते हैं, उसे हम विपक्ष कहते हैं। विरोधी अलग होता है, हम विपक्ष को विरोधी नहीं मानते, लोकतंत्र में विपक्षी विरोधी नहीं होता, वो एक नया नजरिया लाता है देखने का चीजों को, उसको अगर हम विरोधी करार कर दें तो जो हमारा एक ढांचा है जो लोकतंत्र का अपने आप थोड़ा सा स्क्यूर्ड हो जाएगा, वो एक तिहाई हो जाएगा, वो एक तिहाई से उसकी
उसकी नींव जो है कमजोर हो जाएगी। तो जो आपने बात कही जी, मैं प्रोफेसर अजय झा को भी थोड़ा ले लूं। बिल्कुल जी प्रोफेसर साहब, मैं दो चीजें समझ में आई। एक तो जो जैसा सतीश झा साहब कह रहे थे कि जो नया विपक्ष और विरोधी का वो आ गया है, अब हमारे प्रधानमंत्री जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपने एमपी से कहते हैं कि विपक्ष बेनकाब कर दो, जिसका बेसिक तात्पर्य है नंगा कर दो। ये क्या बेनकाब कर दो, कौन सा नकाब लगाए हुए हैं भाई, क्या बेनकाब कर दो, एक तो जरा ये समझना चाहूंगा। दूसरा अजीत झा साहब, क्योंकि हम सब लोगों का कहीं पृष्ठभूमि गांव से जुड़ी हुई है, इस ये किसान कहां रहेगा? ये किसान भारत में रहेगा, हिंदुस्तान में रहेगा, इंडिया में रहेगा, 5 ट्रिलियन इंडिया में रहेगा कि बॉर्डर ही पे रहेगा? इसको भी, क्योंकि मैं इसको इसलिए टच करना चाह रहा हूं, उसमें आप लोग नहीं हैं उस सेशन में, लेकिन किसान का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो किन्हीं भी कारणों से आज की तारीख में, क्योंकि पेक्सस आ गया, फिर रफेल आ गया, आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए जैसे घर में अब पढ़ाई की कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपने ये तोड़ा तो उस पर डांट पड़ रही है, आपने वो तोड़ा तो उस पर डांट पड़ रही है, अब आपने इतने आप काम ऐसे इधर उधर के कर रहे हैं कि विमर्श उस पर हो रहा है। ये भारत का किसान कहां रहेगा? देखिए, किसान का सवाल केवल किसान का सवाल नहीं, ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में विकास की नीति क्या होगी, नियोजन की नीति क्या होगी, इसका सवाल है। जो पूंजीवादी आधुनिक औद्योगिकरण की प्रक्रिया हमने अपनाई है, उसको अपनाते वक्त हमारे शासक ये भूल जाते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और अगर इंग्लैंड की नकल करेंगे, अमेरिका की नकल करेंगे, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसे दौर में हुआ जब कोई प्रभावी लोकतंत्र नहीं था, तो फिर आप ऐसे रास्तों को अख्तियार करेंगे जो लोकतंत्र को तानाशाही में तब्दील करेगा ही करेगा। आपकी नीयत कुछ भी हो, आप तानाशाही निर्माण के अलावा इंग्लैंड के मॉडल को भारत में लागू नहीं कर सकते, और भारत के बुद्धिजीवियों में, भारत के मानस में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि विकास का एक ही मॉडल है और जिसकी कीमत गरीब लोगों को, बहुसंख्यक गरीब लोगों को ही देनी पड़ेगी। ये ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं है। इंग्लैंड के बगल में फ्रांस ने जो विकास का मॉडल अपनाया 19वीं शताब्दी में, उसमें उसने अपने स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, अपने छोटे उत्पादक को, अपने किसानों को जमीन से उस ढंग से बेदखल नहीं किया जिस ढंग से इंग्लैंड ने 18वीं शताब्दी में किया। एक विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में पॉपुलेशन को बड़े पैमाने पर शिफ्ट किया गया, मगर एक बहुत धीमी प्रक्रिया से किया। भारत में जितने प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं खेती में, पशुपालन में, मछली पालन में, इतनी बड़ी संख्या में क्या रहेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर? शायद नहीं रहेंगे इतनी बड़ी संख्या। जरूर भारत में ज्यादा स्कूलों की, कॉलेजों की, टीचर्स की, हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की जरूरत होगी, और किसी भी विकसित देश की तरह भारत में भी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इस काम में लगना चाहिए। ये भारत की आर्थिक नीति का उद्देश्य होना चाहिए, पर क्या इसका निर्माण करने के लिए बहुसंख्यक लोगों को का शोषण करना जरूरी है? उनको भिखमंगा बनाना जरूरी है क्या? उनको केवल मुफ्त राशन दे करके निर्भर बनाना जरूरी है क्या? ये एक बहुत ही अमानवीय प्रक्रिया है, और जब तक ये विकास का मॉडल चलता रहेगा, केवल किसान नहीं, जो भी प्राथमिक उत्पादक है, जो किसी भी देश में जब विकास यात्रा शुरू होती है तो बहुसंख्यक लोग प्राथमिक उत्पादक ही होते हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होता है जहां बहुसंख्यक लोग प्राथमिक उत्पादक नहीं होते हैं। भारत में भी
पर इस विकास यात्रा में अगर हम एक देशवासी हैं तो अगर विकास की कोई कीमत देनी है तो हमको मिलकर के देनी है। पर आज आधुनिक तकनीक में इतनी ताकत है, इतना सरप्लस जनरेशन की कैपेसिटी है कि हमको 18वीं 19वीं शताब्दी की विकास यात्रा को भारत में दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सबके विकास के साथ आर्थिक विकास का सफर तय कर सकते हैं, पर वर्तमान सरकार की नीति, आमतौर पर भारतीय सरकारों की जो नीति रही है प्राथमिक उत्पादन को लेकर के, उस रास्ते से तो किसान जहां है वहां नहीं रहेगा। कोशिश तो ये थी कि सबको खेत मजदूर बना दिया जाए, सबको वेगाबॉन बना दिया जाए, सबको आवारा बना दिया जाए, पर भारतीय लोकतंत्र में अभी भी कुछ ताकत बची हुई है, उस ताकत में कुछ लगाम कसा हुआ है और लोकतंत्र में सरप्राइज करने की कैपेसिटी होती है। इसलिए हमको उम्मीद करनी चाहिए कि जन आंदोलन और लोकतांत्रिक चुनाव के कॉम्बिनेशन से अभी भी भारत अपनी जरूरत के हिसाब से विकास का नया रास्ता तय कर सकता है। धन्यवाद भाई साहब। मैं सुप्रिया अंतिम, क्योंकि समय का वो है, थोड़ा संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा। एक तो हमारे एक जगदीश सिंह, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा है कि बात में चित और फिर उन्होंने लिखा है दिल और हार्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम बातचीत को वैसे समझ, उनका उन्होंने चित्त को बिल्कुल ठीक से स्पष्ट किया है। खैर, आपसे कह रहे हैं जो आज की तारीख में है ना कि अनुशासन के बिना देश तरक्की नहीं करेगा। अब भाई अनुशासन तो घर में हम सब लोग देखे हुए हैं, बिना डर के अनुशासन नहीं आएगा। जब जैसे कि जोड़ तोड़ के ही कुछ होगा तो बिना तोड़े कुछ होगा नहीं, तो ये क्या नए मॉडर्न इंडिया में डर जोड़ तोड़ ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते जा रहे हैं? मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर बोला गया और बिल्कुल सही बोला गया कि विपक्ष विरोधी नहीं है, विपक्ष एक दूसरा पक्ष, एक दूसरा नजरिया दिखाता है। लेकिन यहां पर तो विपक्ष विरोधी छोड़ दीजिए, विपक्ष जैसे कि दुश्मन हो गया है। विपक्ष के लोगों को जब प्रजातंत्र में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को जब यहां पर बैठकर देशद्रोही, फलाने से मिले हुए हैं, फलाने के साथ साजिश कर रहे, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आप सिर्फ विपक्ष को गाली नहीं दे रहे हैं, आप कहीं पर प्रजातंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आप राहुल गांधी को बोलते हैं कि वो देशद्रोही हैं, तो जिन लोगों ने राहुल गांधी को चुना है क्या उन्होंने देशद्रोही को चुना है? आप प्रजातंत्र पर, आप हमारे मूल अधिकार जो चुनने का अधिकार है अपना जनप्रतिनिधि, उस पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। और मुझे लगता है कि वो एक लोकतंत्र को कमजोर करने का, ध्वस्त करने का सबसे पुरजोर हथियार है। मैं, आपने जो बात कही कि डर, रामायण में बताया गया बिन भय होए न प्रीत, लेकिन ये भी सच है कि वी आर द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, हमारी पहचान ही ये है कि हम डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट, हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन वही हमें बांध कर रखता है। हमारी जो एबिलिटी है क्वेश्चन करने की अपने आप को, दूसरों को, अपनी चुनी हुई सरकारों को, उसी से हमारा लोकतंत्र जीवित है। अगर हम पत्रकारों के ऊपर सच दिखाने के लिए मुकदमे करेंगे और देशद्रोह के मुकदमे करेंगे तो सच कौन दिखाएगा? अगर हम लोगों, अपनी जनता, अगर वो प्रतिनिधि से सवाल पूछती है उनको जेल में डलवा देंगे तो कौन सवाल पूछेगा? अगर हमारा मूल अधिकार प्रदर्शन का है और प्रदर्शनकारियों के ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे और फिर औरतों, महिलाओं, बुजुर्गों को जेल में डाल के प्रताड़ित करा जाएगा तो प्रदर्शन कौन करेगा? और अगर ये सब नहीं होगा तो लोकतंत्र जीवित कैसे रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बहुत डिसाइसिव मोड़ पर हैं अपनी डेमोक्रेसी के। हम 75 साल आजादी के मनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शायद हमारा अपने आप से, अपने समाज से, अपनी जनरेशन से यह पूछना जरूरी है कि हम कितने आजाद वाकई में हैं और कितने आजाद आगे रहना चाहते हैं। अगर हम आजाद रहना चाहते हैं तो हमारे बोल भी आजाद होने चाहिए, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी भी होनी चाहिए, बिकॉज बिना उसके आजादी का कोई मतलब नहीं है। और यह सवाल हर भारतीय को पूछना पड़ेगा, यह सवाल हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, पर सबसे ज्यादा यह सवाल सरकार से पूछना पड़ेगा कि कब तक आप बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाकर
आजाद हिंदुस्तान के 75 वर्ष मनाएंगे, क्योंकि ये ढोंग और आडंबर के अलावा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी जनरेशन को इन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, और बिना इसको ढूंढे, आप लोगों ने शायद इसको ढूंढा होगा क्योंकि आपने आजादी के आंदोलन को देखा, आपने आजाद हिंदुस्तान की नींव रखते हुए देखा, हम एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं। हम आजाद हिंदुस्तान से एक बहुत पाबंद हिंदुस्तान पर जा रहे हैं। हम एक ऐसे देश की तरफ जा रहे हैं जहां पर विश्व को लगता है कि हमारे यहाँ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी होने पर आज सवाल उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या हम ऐसे देश में ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, या हम सब अपनी आवाज उठाकर इन मूलभूत ढांचों के संयोजन के लिए, इन मूलभूत ढांचों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे लगता है आज का डिस्कशन इस बात पर जरूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, जिसने जो पहला सेशन हम लोगों का था जहां पे हिंदुस्तान, इंडिया और भारत की बात हम कर रहे थे।